नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों हैं, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके रोक कर इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि सबसे बेहतर पढ़ने का तरीका ये है, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है मैथ पढ़ने के लिए तो आप सबसे पहले उसको खुद से हल करने की कोशिश करें, और उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपका 1% कहीं गलत भी हुआ तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये स्टेप गलत किया हुआ था। उसके बाद आप वीडियो देखिए तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, और आप जो गलती सुधारना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ही आपका दिमाग खुद से एक्सेप्ट करके भी सुधार लेता है, आपको उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी से आप वीडियो को रोकिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए बढ़िया से हल करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और उसके बाद में आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, पूरा बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक कैसे आई वो भी बताऊंगा। मात्र 5 सेकंड में आपके लिए मैं ये क्वेश्चन हल करके बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड है, जैसा आपने देखा हुआ है 2003 SSC में भी आया हुआ है। इसके साथ साथ 2003 से लेके अब तक ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, SSC रेलवे NTPC ग्रुप डी हर जगह ये क्वेश्चन आता है, आपके स्टेट लेवल एग्जाम में भी। और ये क्वेश्चन देख के ही आपको काले नाग, ब्लैक कोबरा एकदम जहरीला टाइप का लग रहा है, बिल्कुल है ये जहरीला, और ऐसे क्वेश्चन देख के हम देख के ही डर जाते हैं एग्जाम में। लेकिन अब आपकी मैथ का डर छुटाने का ठेका मैंने ले रखा है, आपके अंदर जो मैथ का डर भरा हुआ है वो मैं पूरा का पूरा गायब कर दूंगा, बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छे से चीजों को देखिए और पढ़िए, और आप अभी लाइक और डिसलाइक बिल्कुल ना करें, वीडियो खत्म होने पे आप लाइक और डिसलाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से आपने आंसर कर दिया होगा, यहां पर देखें ये लिखा हुआ है 1 धन 1/10 धन 1/10। तो ये अगर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, सतत भिन्न का पार्ट है, सतत या वितत या लंगड़ी भिन्नों का पार्ट है, जिसका वीडियो मैं सेपरेट बना चुका हूं बिल्कुल सतत भिन्नों पर, पूरी इसकी डेफिनेशन परिभाषा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको उसकी लिंक मिलेगी। तो जिन भी छात्रों को सतत भिन्न हल कैसे करते हैं ये समस्या हो तो आप वो वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में से लिंक आपको मिल जाएगी उस वीडियो की, और जिनको हल करना आता है तो वो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपको पता है आप इनको नीचे से हल करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले, इसको हल करने पे टूट पड़ने से पहले आप पूरे वीडियो पे एक नजर मारिए, सॉरी पूरे क्वेश्चन पर एक नजर मारिए आप, और पूरे क्वेश्चन पर नजर मारने से आपको पता चलेगा कि यहां पर ये दोनों सेम हैं, यहां पर ये दोनों सेम हैं, और ये अलग है, ये अलग है, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहां अगर आप देखें ये इंटू ए माइनस बी इंटू बी तो नहीं बन रहा क्या? बिल्कुल बन रहा है यार, ठीक है। डिवाइड यहां पर ए प्लस बी, तो आप ये देखें क्या हो गया दोस्तों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाय ए प्लस बी। जी हाँ, बस मैं आपको बता रहा हूं तो समय लग रहा है, बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, ए माइनस वी और ए प्लस बी सभी छात्र जानते हैं, कोई ऐसा छात्र नहीं होगा मेरे हिसाब से जो इसको ना जानता हो। क्लियर है, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो इसको ना जानता हो। तो यहां पर ये बटे में आप ले आएंगे ए प्लस बी, क्योंकि डिवाइड मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे ही होता है, तो यहां से प्लस प्लस का ये कैंसिल, फाइनली क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी बचा हुआ है। ए माइनस बी मतलब ये इन दोनों में से कोई एक ए है ये बी है। तो बस यहां पर हम पुट कर देंगे वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहां पर लिखी हुई 1 धन 1/10 धन 1/10। अब इसको सॉल्व करना मैं आपको बता चुका हूं सतत भिन्नों वाले पार्ट में, वीडियो में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देखना जिनको समस्या। 10 का 10 गुना 100 और 1 कितना हो गया 101/10, इसका इंटू दोस्तों यहां पर हो जाएगा, इसका इंटू कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, क्लियर है। तो 1 धन ये बचेगा 10/101, माइनस करके हमें बी की वैल्यू भी लिखना है दोस्तों, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 1 माइनस 1/10 धन 1/10। इतने पार्ट को आप सॉल्व करोगे यहाँ से वही आएगा, 101 कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि सेम है, इसलिए मैंने ये बाद में हल किया हुआ है ताकि आप वही की वही वैल्यू भी पुट कर सकते हो दोस्तों। ये आपको यहाँ पर फिर से सॉल्व नहीं करना, वही की वही वैल्यू पुट कर सकते थे आप, बस यहाँ पर आपको ये ले जाना था। फिर भी मैं अभी ट्रिक से बताऊँगा आपके लिए, 1 माइनस 10/101 का 1 गुना और 10 आप करेंगे दोस्तों, 111/ कितना हो गया 101, यहां पर माइनस है, सॉरी 101 का 1 गुना 101 में से आप अगर 10 घटा देंगे दोस्तों
कितना बचेगा, 91/101। अब आपको दिख रहा है हर सामान है, ये क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे होते हैं। देखिए इनका लास्ट में कुछ नहीं, बस ऊपर ही जहरीले लग रहा है बिल्कुल काले नाग की तरह, बस हमें सपेरा बनना है। 111 में से 91 घटाओगे दोस्तों 20/101। जी हाँ, लीजिए आपका आंसर हो गया दोस्तों ए। तो ये मैंने आपके लिए बताया दोस्तों पूरा डिटेल मेथड में बताया हुआ है। अब लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। डिटेल से आपका आंसर हुआ है मेरे हिसाब से, आप समझ गए होंगे, तो मैं रफ करता हूँ इसके लिए, और मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से इसको हल कराने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और बढ़िया से देखें, क्योंकि ये तो मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में बताया हुआ है। देखो यहाँ पर हमको ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नंबर सेम दिख रहे हैं, 1+1/10 धन 1/10 गुणा लगा हुआ है। यहाँ से आपको 1+1/10 धन 1/10 माइनस एक, ये सेम है यहाँ पर ये दोनों नंबर, क्योंकि ये बी है 1-1/10 धन 1/10 गुणा 1-1/10 धन 1/10, ये डिवाइड लगा हुआ है यहाँ पर, क्लियर। तो सबसे पहले ये हमको साफ दिख गया कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लिखा हुआ है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लिखा हुआ है। तो ये फाइनली बनता क्या है दोस्तों, ये प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस बी बनता है, ये माइनस बी, ये हमारे दिमाग में है, ये हम लिख नहीं रहे हैं ना, क्योंकि हम कहाँ बैठे हुए दोस्तों, अब एग्जाम में बैठे हुए ऐसा आपको सोचना है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होल ब्रैकेट में ये अलग अलग लिखा हुआ है, डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या हुआ, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा दोस्तों आपके पास में, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी बचा। कैसे कैंसिल हुआ दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी और डिवाइड बाय लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो इससे ये कैंसिल हो गया ना दोस्तों। क्या बचा फाइनली, ए माइनस बी बचा। ये कहां से आया, ए का स्क्वायर माइनस बी बी के स्क्वायर से आया। इतना आपको थॉट प्रोसेस, आपकी स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी आपके लिए, बस आपको ए माइनस बी सॉल्व करना। देखिए यहां पर चुटकियों में करा के बताऊंगा मैं आपके। अब आपको पता है ये ए है, ये ए है, ध्यान देना यहां पर, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो यहीं से करा रहा हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। तो दम 100 और 1 101 101/10 10 ऊपर चला गया, फाइनली इतना बस लिख दो आप 10/101, समझ गए। माइनस करना है आपको, बी की वैल्यू आपको पता है, बी ए है, तो यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ अभी हाल के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना, ये आपको पता है ये बी है, तो यहां से ये बनेगा 10/101, समझ गए। सिंपल, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो दोस्तों सेम है ना, ये दोनों तो सेम है ना, तो इनकी वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, क्लियर। बस एक यहां पर प्लस का है, यहां ये माइनस में लगा हुआ है 10/101, यहां 10/101 प्लस में लगा हुआ है। बस इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका इसमें गुणा करना है, 10 जोड़ना है 111/10, 111/101 माइनस यहां पर ये 101 का एक में गुणा करोगे 101 माइनस 10 करोगे कितना है दोस्तों, 91/101 आ जाएगा। इसमें से ये घटा दोगे दोस्तों कितना बचेगा, 20/101 बचेगा। लीजिए आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें भी मुझे समय लगा, क्योंकि मैंने आपको समझाई हुई है ट्रिक, मैंने आपको समझाई हुई है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, ये अटपटे टाइप के कि कैसे लगते हैं हमको क्वेश्चन, अजीब से लगते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए सर्व समीका है ना, सर्व समीका जो फॉर्मूले होते हैं उनकी जरूरत पड़ रही है, साथ में आपको बोर्ड मास की भी जरूरत पड़ रही है कैलकुलेशन में। बोर्ड मास मतलब आपको हर एक चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है, कोरामाइन इंजेक्शन की तरह है ना, लास्ट जो हृदय में लगाया जाता है उस तरीके से आपको यहाँ पे हर चीज, तो ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ आपकी स्पीड कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है। तो अब आप दोस्तों बताइए, आप मेरे लिए कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ आपके शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा आपको मैथ और रीजनिंग की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप देखिए वीडियो, बहुत सारे इसी तरीके से आपको टेक्निकल शॉर्ट बेसिक मेथड और बढ़िया थॉट प्रोसेस से आपको मैं चीजें बता चुका हूं पहले भी, और आगे भी लाता रहूंगा इस तरीके से। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए फ्री एजुकेशन को। थैंक यू।